दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा भारतीय के बारे में जिसने अपने मेहनत और टैलेंट के दम पर बहुत ही कम उम्र में एक ऐसा नाम बनाया है जो हर किसी की बस की बात नहीं है। एक समय में अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़ने वाले इस युवा को सभी ने यह तक कह दिया था कि स्कूल की पढ़ाई तो पूरी नहीं कर पाया, आगे अपने जिंदगी में क्या करेगा। लेकिन इसके बाद भी सभी बातों को इग्नोर करके अपने लगन और मेहनत के दम पर इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया पर राज कर लिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कबड्डी के एक अनोखे सितारे जिन्होंने सीजन 1 में डेब्यू किया था और डेब्यू सीजन के साथ ही साथ अभी तक वो पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। वो और कोई नहीं, वो है सुरेंद्र नाडा। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं सुरेंद्र नाडा के लाइफ के ऊपर की पूरी कहानी, किस तरह से उन्होंने कबड्डी में डेब्यू किया था, पूरी कहानी इस वीडियो में। आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक लाइक मार दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ऐसे ही वीडियो रोज देख पाएंगे। सुरेंद्र नाडा का जन्म 1 जुलाई 1987 में एरी गांव हरियाणा में उनका जन्म हुआ था। सुरेंद्र नाडा ने अपनी बचपन की पढ़ाई वहीं से पूरी की थी, लेकिन उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वे अपने भाई और चाचा की तरह कुश्ती सीखना चाहते थे और साथ ही साथ वे कबड्डी के दांव पेच भी सीखना चाहते थे। कुछ सालों बाद जब वे 17 साल के हुए तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद वे कबड्डी पर ध्यान देने लगे। उसके बाद उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें अपना भविष्य कबड्डी में बनाना है और वे कबड्डी की प्रैक्टिस लगातार करने लगे। उनके गांव में अच्छा कोच ना होने के कारण उन्हें अपने गांव को छोड़ना पड़ा और उसके बाद वे बुआ के घर सोनीपत में रहने लगे, क्योंकि सोनीपत में बहुत सारे कबड्डी के ग्राउंड हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे कोच हैं और कई कई कोच तो वहाँ पर नेशनल भी खेल चुके हैं। इसीलिए सुरेंद्र नाडा चाहते थे कि उनसे प्रैक्टिस करके मैं भी एक अच्छा प्लेयर बन जाऊँ। उसके बाद सुरेंद्र नाडा घंटों तक प्रैक्टिस करते थे कबड्डी का। जब उनका प्रैक्टिस कम्प्लीट हो गया तब वे कबड्डी के बहुत ही अच्छे प्लेयर बन गए और वे डिफेंडर बने, क्योंकि उन्हें बचपन से ही डिफेंस करना बहुत ही अच्छा लगता था और उन्होंने डिफेंस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया। उसके बाद 2012 में सुरेंद्र नाडा को नेशनल में खेलने का मौका मिला। हरियाणा की तरफ से वे नेशनल में खेलते थे। उसके बाद आया 2014 में प्रो कबड्डी, जिसमें कई सारे प्लेयर को कबड्डी को खेलने का मौका मिला और वहां पर उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया और वहां पर कबड्डी के बहुत ही सारे नए नए प्लेयर हमें देखने के लिए मिले। उन्हीं में से एक थे सुरेंद्र नाडा। सीजन 1, 2, 3 में सुरेंद्र नाडा यू मुंबा की तरफ से खेलते थे और सीजन 4 में वो चले गए बेंगलुरु बुल्स की तरफ और फिर सीजन 6 में आ गए और सीजन 5 में आ गए हरियाणा की तरफ। सीजन 5 के बाद आया सीजन 6 और उसमें सुरेंद्र नाडा सीजन 6 में हरियाणा स्टीलर का पहला मैच पुनेरी पल्टन के साथ था। पुनेरी पल्टन के साथ मैच खेलते खेलते मैच के आखिर में 15 सेकेंड में सुरेंद्र नाडा को चोट लग गई, जिसके बाद सुरेंद्र नाडा उसके बाद एक भी मैच नहीं खेल पाए। ये खबर सुरेंद्र नाडा के सभी फैन के लिए बहुत दुखी था, लेकिन अब उनका हाथ ठीक हो गया है और वे सीजन 7 में हरियाणा के साथ हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। बस वीडियो में इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।